नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब जो भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कर रहा है वो फेसलेस असेसमेंट के रूप में की जा रही है। तो दोस्तों, इन दिनों फेसलेस असेसमेंट के संदर्भ में असेसीज एट लार्ज को एक इंटीमेशन अंडर सेक्शन 144 बी इशू की गई है। ये इंटीमेशन क्या है, इसका आप क्या मायने निकाल सकते हैं और इसके ऊपर आपको क्या एक्शन लेना है, इन कुछ बिंदुओं के मद्देनजर ये एक छोटी सी वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों, आपके समक्ष सीधे एक एग्जाम्पल के लिए रिसेंटली 144 बी की जो इंटीमेशन किसी एसएससी के केस में इशू की गई वो रख रहा हूं, ताकि आप समझें कि ये इंटीमेशन क्या है और इसका क्या प्रभाव है, क्या इंटरप्रिटेशन है। सबसे ऊपर टाइटल में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा मिलेगा। यहां आपका नाम पता, ठीक है, फर्दर आपका पैन नंबर, किस असेसमेंट ईयर के लिए ये इंटीमेशन आपको आई है, रिलेवेंट रेफरेंस नंबर जिसके थ्रू ये पर्टिकुलर इंटीमेशन इशू की गई, किस डेट को ये इंटीमेशन इशू की गई, और इस इंटीमेशन का टाइटल देखिए, इंटीमेशन टू द असेसी फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 144 बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। What is very important for us to note? हमारे लिए बहुत important चीज क्या है सर नोट करने के लिए, कि अब यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी एसएससी का असेसमेंट कर रहा है तो वो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ही उस पूरी प्रक्रिया को गवर्न करेगा। और ये जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो सेक्शन 144 बी ऑफ इनकम टैक्स लॉ में लिखी है। तो सेक्शन 144 बी की ये प्रक्रिया क्या बोलती है, कि एसएससी को सूचित करिए कि अब आपका असेसमेंट सेक्शन 144 बी के मैनर में आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली दोस्तों, ये एक नोटिस ना होकर के एक सूचना है कि आपका फला ईयर का जो असेसमेंट हम कर रहे हैं वो सेक्शन 144 बी में दी गई प्रक्रिया के अनुरूप हम करेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर की ओर से ये पर्टिकुलर इंटीमेशन आई। अब इस इंटीमेशन का कंटेंट आगे देखिएगा कि पहले तो हमने ऊपरी जो हिस्सा है वो प्लस सब्जेक्ट लाइन देखी। डियर टैक्स पेयर, दिस इज टू इंटीमेट दैट योर केस फॉर द असेसमेंट ईयर सो एंड सो हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पर्पसेस ऑफ फेसलेस असेसमेंट और रीअसेसमेंट। सर, ये असेसमेंट के लिए भी आएगी, रीअसेसमेंट के लिए भी आएगी। रीअसेसमेंट मतलब जिस व्यक्ति का सेम ईयर पर पहले एक असेसमेंट हुआ हो और अब सेक्शन 147 के अंदर दोबारा से उनका असेसमेंट खुल रहा हो। द केस हैज बीन असाइंड टू द असेसमेंट यूनिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट इन द फेसलेस मैनर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन सेक्शन 144 बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये आपको पॉइंट आउट कर दिया कि आपका इस असेसमेंट ईयर का एक असेसमेंट फेसलेस मैनर के अंदर सेक्शन 144 बी के मैनर में किया जाएगा। द प्रोसीडिंग्स विल बी कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली इन ई प्रोसीडिंग फैसिलिटी थ्रू योर अकाउंट इन ई फाइलिंग वेबसाइट। तो ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उसमें जब आप अपने लॉग इन में जाएंगे, वहां ई प्रोसीडिंग में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको अपना पर्टिकुलर असेसमेंट का स्टेटस समय समय पर वहां पर फेसलेस मैनर में मिलता रहेगा। दोस्तों, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां जोड़ना चाहूंगा कि कई बार असेसीज एट लार्ज को यह भी नहीं पता होता कि उनका असेसमेंट खुल गया है। अब कैसे पता चले, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको मैसेज भेजता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके लॉग इन पर ई प्रोसीडिंग के अंदर भी एक पर्टिकुलर नोटिस अपलोड करता है, वो नोटिस उनके रिलेवेंट मेल आईडी पर भी आता है। मेरा यह अनुभव रहा है कि बहुत से एसएससीज का सही मोबाइल नंबर या सही मेल आईडी अपलोडेड या अपडेटेड इनकम टैक्स की वेबसाइट पर नहीं होता। तो आपको अपना सही मेल आईडी, सही फोन नंबर अपडेटेड है ये सुनिश्चित करना चाहिए और समय समय पर एटलीस्ट साल में एक या दो बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई ई प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट में चल तो नहीं रही, यदि है तो मैं टाइमली उनका रिस्पॉन्स कर पाऊं। आगे देखिए सर, पॉइंट नंबर 3, यू आर एडवाइज टू पीरियोडिकली चेक योर अकाउंट। देखिए मेरी बात आ गई, यू आर एडवाइज टू पीरियोडिकली चेक योर अकाउंट इन ई फाइलिंग वेबसाइट एंड गिव स्पेसिफिक रिप्लाई टू द कम्युनिकेशन नोटिसेस इशूड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। दिस विल एनेबल पासिंग ऑफ फेयर असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ योर रिप्लाई और एक्सप्लेनेशन। यानी भारत सरकार कह रही है कि आप देखते रहिए सर, हमने क्या कम्युनिकेशन नोटिस दिए, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड उनको रिस्पॉन्स करिए, ताकि एक फेयर असेसमेंट ऑर्डर हम आपके रिप्लाई या एक्सप्लेनेशन को कंसिडर करते हुए पास कर पाए।
non-responsiveness may lead to passing of best judgment assessment order and other panel consequences. यदि आप जवाब नहीं देंगे, proper information नहीं देंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आपका assessment best judgment manner में under section 144 के तरीके से किया जा सकता है. Brief note on e-proceeding faceless assessment are available on the e-filing website. Portal का एड्रेस. यू मे ऑल्सो रेफर टू सेक्शन 144B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर फर्दर रेफरेंस. तो आपको इसी इंटीमेशन में ये भी नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि आप अगर ई प्रोसीडिंग फेसलेस असेसमेंट पर एक ब्रीफ नोट देखना चाहें ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, तो आप लिंक पर जाकर के या सेक्शन 144B का रेफरेंस लेकर के चेक कर सकते हैं. अंतिम हिस्सा जिसमें ये बात लिखी गई है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फ्रॉम नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर विच नीड नॉट बी डिजिटली साइन फॉर ऑथेंटिकेशन. बिकॉज कई बार असेसीज को लगता है कि साहब ये तो साइन ही नहीं है, तो इसको फिर यदि साइन नहीं किया तो मैं इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे मानूं या इसकी वैधता क्या मानूं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने ये बात क्लियर कर दी है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है जिसको डिजिटल साइन करने की जरूरत भी नहीं है. और एक बात आपको बता दी गई है यहां पर कि प्लीज अंडरस्टैंड द वेबसाइट एड्रेस ऑफ द ई फाइलिंग पोर्टल हैज बीन चेंज फ्रॉम इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जीओवी डॉट इन टू इनकम टैक्स डॉट जीओवी डॉट इन. सिंपली स्पीकिंग आपको यह समझना है कि ये पर्टिकुलर इंटीमेशन, अगर आपको लगता है मेल पर कहीं मेरे से किसी ने मजाक तो नहीं किया, कहीं गलत ईमेल तो नहीं आई, तो आप सबसे पहला काम करिए कि मेल पर यदि इंटीमेशन मिली है तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके ई प्रोसीडिंग्स में चेक करिए कि कहीं इस प्रकार का कोई पर्टिकुलर नोटिस या इंटीमेशन ऑनलाइन दिख रही है. यदि हाँ तो आपको तुरंत एक्टिव होना है ताकि आप आगे रिस्पॉन्स करना शुरू करें, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं करना दोस्तों बहुत खतरनाक होगा बनस्पत रिस्पॉन्स करके अपना असेसमेंट सही तरीके से कंप्लीट कराने के. अंत में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों का मुझसे क्वेश्चन हो सकता है कि अनूप जी अगर ये 144B की इंटीमेशन आ गई तो मुझे करना क्या है, कैसे इसको जवाब दूं. सर 144B की इंटीमेशन को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल एक सूचना है कि हाँ साहब आपके अगेंस्ट में जो असेसमेंट खुला है या रीअसेसमेंट खुला है वो फेसलेस मैनर में चलता रहेगा. यानी असेसी को केवल बताया गया है कि आपका असेसमेंट अब सेक्शन 144B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के दिए गए प्रोसीजर में फेसलेस मैनर में किया जाएगा. आपको इस इंटीमेशन के अगेंस्ट कोई जवाब नहीं दाखिल करना, ये इंटीमेशन केवल आपके प्रति एक सूचना है कि आप ध्यान रखिए अब आपको ई प्रोसीडिंग में समय समय पर चेक करते रहना है. हम कोई भी नोटिस दें, एक्सप्लेनेशन मांगे, आप वहां पर उसका ऑनलाइन जवाब देते रहे. सो आई होप ये एक कंक्लूजन आपके लिए बड़े काम का होगा. तो दोस्तों मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मेरा उत्साहवर्धन करते रहने के लिए या मुझे नए नए क्वेश्चंस देते रहने के लिए ताकि मैं आपकी और अच्छी सेवा कर पाऊं, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद.